हरियाणा सरकार एक नई पहल करने जा रही है प्रदेश में, और इसकी शुरुआत गुरुग्राम और फरीदाबाद से होने जा रही है, और वो पहल है हाफ मैराथन की। चूँकि दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में मैराथन होती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश में भी इसी तरह का आयोजन हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ में फरीदाबाद के DC विक्रम यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद में भी हाफ मैराथन का आयोजन होने जा रहा है, क्या इसका स्वरूप रहने वाला है, किस तरह से प्लान किया गया है इसको? आने वाली 3 मार्च को फरीदाबाद में हमने हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज़ करवाने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें 3 कैटेगरीज रहेंगे डिस्टेंस की, 21 किलोमीटर्स हाफ मैराथन वाला, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो इसमें 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर टाइम्ड रन है और 5 किलोमीटर फन रन है, उसमें कोई भी पार्ट ले सकता है। तो 5 किलोमीटर वाली एंट्री भी फ्री रहेगी, और जो 21 किलोमीटर की है वो 200 रुपये और 10 किलोमीटर की 100 रुपये एंट्री है। तो साथ ही इसमें जो प्राइजेज़ रहेंगे, तो वो 21 किलोमीटर में 1,00,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़, 75,000 रुपये सेकेंड प्राइज़ और 50,000 रुपये थर्ड प्राइज़। इसके साथ ही 10 किलोमीटर में 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये प्राइजेज़ हैं। इसके अलावा हमने कैटेगरी वाइज भी, एज कैटेगरी वाइज जो प्राइजेज़ रखे हैं, और मेल फीमेल वाइज भी, और साथ ही जो हमारे भाई बंधु हैं जो डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए भी हमने अलग कैटेगरी एक बनाई है। इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कैटेगरी बनाई है, ताकि वो इंक्लूसिव हम इसको एक रन को बना पाएँ। तो हमारी और ये कोशिश है वैसे कि इसको मैराथन को ये हर साल का इवेंट हम बनाएं इसको, कि हर साल हम ये फरीदाबाद में एक इवेंट रहे, और ये मैराथन कैलेंडर जो रहता है देश का, उसमें इसको इंक्लूड करें। साथ ही हमने जो एथलेटिक फेडरेशन है, जो इसका जो रास्ते का या फिर रूट का जो डिस्टेंस को सर्टिफाई करती है, तो उससे भी हमने टाई अप करा है। तो लोग इसके स्कोर को, हमारी जो मैराथन होगी फरीदाबाद की, उसके स्कोर को आगे भी यूज़ कर पाएंगे। फरीदाबाद के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा आयोजन माना जा रहा है इसको, क्योंकि कहां कहां के जो धावक हैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्या केवल फरीदाबाद के ही धावक होंगे या बाकी जगह के राज्यों के भी होंगे इसमें? नहीं, इसमें जो हमारा लिंक है faridabadhalfmarathon.com, तो इस पर जाके कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है, चाहे वो रहने वाला कहीं का भी हो, चाहे फरीदाबाद का हो, दिल्ली का हो, UP का हो, हरियाणा के किसी और ज़िले का हो, या फिर बाहर से भी। क्योंकि अब जैसा हम देखें, सूरजकुंड में हमारे 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है अभी, तो वहाँ के भी अगर लोग हैं या बाकी कहीं के भी लोग हैं, तो कोई भी आके इसमें इवेंट में पार्ट ले सकता है। सर, एक सवाल ये भी है, चूँकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो एक बड़ी चुनौती भी होती है उसे आयोजित कराने के लिए, किस तरह की चुनौतियाँ हैं और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल ही, क्योंकि आयोजन काफ़ी बड़ा रहेगा ये, तो इसमें हमें पूरे फरीदाबाद शहर का सपोर्ट इसमें चाहिए, और साथ ही जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसमें सारी चीज़ रहेंगी, पानी की व्यवस्था या ड्रिंक्स की व्यवस्था वहाँ पे, या फिर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था, या फिर हेल्थ केयर से, तो वो सारी व्यवस्था हर एक किलोमीटर पे हमारी कोशिश है वो रहे। और साथ ही इनिशियली भी कल्चरल एक इवेंट हम रखेंगे, और बीच में भी हर एक किलोमीटर पे कोई ना कोई कल्चरल या लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ इवेंट रखेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि बड़ा आयोजन है, हरियाणा सरकार की पहल और प्रशासन इसको करने जा रहा है, चूंकि मकसद की अगर बात करें तो युवाओं में जिस तरह से नशे को लेकर दिक्कतें बढ़ रही हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं युवा, तो क्या और कौन से मकसद हैं जिससे इसके लिए आयोजन कराया जा रहा है? बिल्कुल ही, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और हरियाणा सरकार का भी जो एक उद्देश्य रहता है कि लोगों को फिट रखें, तो उस कड़ी में ये मैराथन भी हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो लोग ताकि इसमें आके पार्टिसिपेट करें और हेल्थ की तरफ अपनी डायरेक्शन उसकी तरफ लगाएं, और साथ ही जो हमारा युवा वर्ग है, जो आपने कहा कि जैसे ड्रग्स की तरफ या बाकी और जो गलत चीज़ें हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो उनको उनकी एनर्जी एक स्पोर्ट्स की तरफ हम उनकी केंद्रित कर पाएँ, तो इस डायरेक्शन में हमारा ये स्टेप है। और साथ ही ये हर साल होता भी रहेगा, तो लोग भी एंगेज रहेंगे और वेट भी करेंगे नेक्स्ट ईयर कब होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में DC विक्रम यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि चूंकि बड़ा आयोजन है और ऐसे में मकसद की भी बात करें तो युवाओं को नशे से दूर करने के साथ साथ में तमाम लोगों को अवेयर करना भी एक ये इस मैराथन का हिस्सा रहेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।